नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा लगातार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर अत्यंत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। लगातार हॉस्टल अधीक्षकों की लापरवाही और शिक्षकों के समय पर शाला नहीं आने को लेकर डॉक्टर अलावा नाराज नजर आए। मुख्यालय पर न तो रहते हुए दूर अप डाउन करते हैं और जानबूझकर स्कूल लेट आते हैं। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारी को साफ साफ निर्देश दिए हैं कि जो शिक्षक शिक्षिकाएं और हॉस्टल अधीक्षक अपने कार्य में लापरवाही बरते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए एवं उनका वेतन काटने की कार्रवाई करके मुझे तत्काल अवगत करवाया जाए। आरटी फीस प्रतिपूर्ति के आवेदन जो संकुल प्रचार रोक कर बैठे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। जो लापरवाह प्रचार और प्रधानाध्यापक दिखाई दिए उनको तो विधायक जी की डांट पड़ी ही एवं जो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर गंभीर दिखाई दिए ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया गया। शासकीय महाविद्यालय मनावर के भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र सोलंकी को मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा के क्षेत्र कार्य के लिए प्रशंसा पत्र सौंपा और उनके आगामी उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर अलावा ने कहा कि जिन शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के एग्रीकल्चर और कॉमर्स की कक्षाएँ नहीं वे मांग पत्र मुझे भी दें और वरिष्ठ कार्यालय को भी पत्र लिखे। मनावर से फिरोज खान, आरके की रिपोर्ट। भले 5 मिनट 10 मिनट लेट आए उसके तो फर्क नहीं पड़ता, जितने एब्सेंट लगाना लगा दो। एब्सेंट लगाने से कुछ हो नहीं रहा, मैंने तनख्वाह काटने का नहीं एक एक दिन की, क्योंकि तभी एब्सेंट मतलब तनख्वाह कटी ना। हाँ, तनख्वाह एब्सेंट का मतलब क्या होता है? पहले एब्सेंट लगाते थे तो एब्सेंट जारी करते थे और वो कारण बता देते थे तो वापस बात होती। ऐसा नहीं कि 10:30 बजे आया और रेजिडेंस में आपने साइन नहीं किया, नहीं किया, रेजिडेंस नहीं लगे, तो हम लोग तो ये मानेंगे कि रजिस्टर में अटेंडेंस नहीं है, मतलब आया नहीं है टाइम। तो आप लोग अभी से 6-7 दिन का टाइम दे रहे हैं, हमने 10:30 बजे टाइम से टाइम पहुँचना चाहिए। अब आप बीच में अगर एक्सीडेंट हो रहे हैं कहीं कारण से जा रहे हैं तो आप हेड बता के जाएंगे कितने रूम पर निर्देश जाएंगे। मनावर विधानसभा के मनावर ब्लॉक उमरबन ब्लॉक में शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए समीक्षा मीटिंग रखी गई थी। इसमें दोनों ब्लॉक बीओ के साथ साथ सारे प्रिंसिपल्स उपस्थित थे। साथ में शिक्षा के ढांचे को बेहतर करने के लिए सभी प्रिंसिपल से सुझाव मांगे गए थे। इसमें कई आइडियाज आए, उन पर आज चर्चा कर इम्प्लीमेंट करने का संकल्प लिया गया। कई स्कूलों में शिकायत मिली थी कि समय पर टीचर्स नहीं आते हैं, उनके खिलाफ़ एक्शन लेने का निर्णय लिया गया। और साथ में जो कई पुराने स्कूल जो जर्जर हो चुके हैं, कभी भी टूट फूट सकते हैं, धराशायी हो सकते हैं, वो उनके जानकारी मांगी गई ताकि विधानसभा में पेश कर जल्द नए स्कूल का निर्माण किया जा सके। साप्ताहिक मेनू स्पष्ट रूप से उसका पालन करने का निर्देशित किया गया है। हम जाके सारे स्कूलों में उस चेक करेंगे और जहाँ पे भी अगर मेनू अनुसार भोजन नहीं मिला उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसी खबर लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।